गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने जिम्नोस्पर्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहला पॉइंट कंप्लीट किया था साइकेडेल्स ऑर्डर का। आज अपना सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉनिफेरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉनिफेरल्स। कॉनिफेरल्स ऑर्डर के सदस्यों में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। कॉनिफेरल्स ऑर्डर के सभी सदस्य जो है वो शंकुआकार आकृति वाले होते हैं, इसीलिए इसको शंकुधारी वृक्ष भी कहा जाता है। ये जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो कॉनिफेरल्स ऑर्डर जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा गण है। ये कॉनिफेरल्स का सबसे बड़ा गण है जिसमें लगभग 54 वंश तथा 482 जातियां जो है शामिल है। सबसे बड़ा गण है जिसमें लगभग 54 वंश तथा 482 जीवित जातियां शामिल हैं। 482 जीवित जातियां शामिल हैं। तो इस आधार पर यह सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्डर है वो जिम्नोस्पर्म का सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर कॉनिफेरल्स है। इसी ऑर्डर के अंदर अधिकांश जो प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म के शामिल है। इस ऑर्डर के पादपों की उत्पत्ति परमियन काल में हुई थी। इस गण के सदस्यों की उत्पत्ति परमियन पीरियड परमियन काल में हुई, लेकिन क्रिस्टेशिया काल में ये पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले पादपों के रूप में पाए जाते थे। क्रस्टेशियन काल के दौरान ये जो प्लांट है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक पादपों के रूप में पाए जाते थे। कॉनिफेरल्स ऑर्डर के मेंबर जो है वो संसार के उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो कहाँ उपस्थित है, ये उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्रों में। तो इस गण के अधिकांश सदस्य उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा शीतोष्ण भागों में ये आर्कटिक से अंटार्कटिक क्षेत्रों तक
मिलते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म जो है उनके अधिकांश सदस्य कहाँ उपस्थित होते हैं, अधिकांश सदस्य अपने को कहाँ देखने को मिलते हैं, दक्षिणी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर ये आर्कटिक से अंटार्कटिक क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। ये कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरिगन, ये कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरिगाना, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरिगाना, ब्रिटिश कोलंबिया आदि क्षेत्रों के अंदर ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। भारत में अगर अपन बात करें तो भारत में कॉनिफेरस उत्तरी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के अंदर सर्वाधिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, बर्मा आदि क्षेत्रों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरिगन आदि क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रों में सामान्य रूप से मिलते हैं। भारत में कॉनिफेरस, भारत में कॉनिफर प्लांट उत्तरी व पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल व बर्मा आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। यानी भारत के अंदर उत्तरी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के अंदर जिम्नोस्पर्म के कॉनिफर ऑर्डर के सदस्य सामान्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन ये जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हैं इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश में भी मिलते हैं, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र नेपाल के अंदर भी पाए जाते हैं, नेपाल के पास में बर्मा क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, तो आसाम के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कॉनिफर पाए जाते हैं। तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, बर्मा आदि क्षेत्रों के अंदर कॉनिफर की विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं। इस गण के सदस्य कॉनिफर या शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो कॉनिकल के समान यानी कीप के जैसी दिखाई देती हैं, इसीलिए इस ऑर्डर के मेंबर्स क्या कहलाते हैं, इस गण के सदस्य कॉनिफर या शंकुधारी पादप कहलाते हैं। इस गण के सदस्य क्या कहलाते हैं, शंकुधारी पादप कहलाते हैं, क्योंकि इनकी शेप जो है वो इस प्रकार की होती है कि ऊपर से ये तिकोने होते हैं और नीचे से ये चौड़े होते हैं, तो इस प्रकार की संरचना अपने को देखने को इनके अंदर मिलती है। तो ये जो पेड़ है वो ऊपर से इस तरह से तिकोने दिखाई देंगे और नीचे आकर ये इस तरह से ये चौड़े हो जाते हैं। तो जिस तरह से कीप की संरचना होती है, जैसे ये कीप है इस तरह की, तो इसके जैसी संरचना या कॉनिकल लाइक जैसी संरचना बन जाती हैं, इसीलिए इसको कॉनिफर नाम दिया गया है। अब इसकी भारत में पाई जाने वाली स्पीसीज में
एबीज पीस या लेरिक्स आदि जो है वो सामान्य रूप से पाई जाती हैं। इसकी प्रमुख जातियां इस गण के प्रमुख वंश एबीज पीसिया और इसके अलावा लेरिक्स, सीड्रस, पाइनस, थूजा, सुगा, और क्यूप्रेसस, जूनिपेरस, पोडोकार्पस, सिफेलोटेक्सस, ये सभी जातियां जो है ये प्रमुख रूप से भारतीय जातियों के रूप में पाई जाती है, भारत में स्थानीय वंश के रूप में पाई जाती हैं। तो क्यूप्रेसिस, जूनिपेरस, पोडोकार्पस तो इसमें कौन कौन सी जातियां हैं? एक तो एबीज है, एक पीसिया है, सीड्रेस है, पाइनस है, सुगा है, क्यूप्रेसस है, जूनिपेरस है, पोडोकार्पस है, सिफेलोटेक्सस है, आदि प्रमुख भारतीय स्थानीय वंश है, यानी इंडिजीनस के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर ये जो जातियां पाई जाती हैं इसके अलावा मेटाशिकोवा, टैक्सोडियम, क्रिप्टोजेमिया, ये सभी जातियां जो हैं वो क्रिप्टोमेरिया, ओरोकेरिया, थूजा आदि विदेशी जातियां भी भारत में पाई जाती है। तो विदेशी जातियों के अंदर क्रिप्टोमेरिया, थूजा, ओरोकेरिया, और टैक्सोडियम मेटाशिकोवा, आदि विदेशी जातियां भी पाई जाती हैं, इसमें कुछ प्लांट जो है आप जानते हैं, ओरोकेरिया जिसको अपन क्रिसमस ट्री कहते हैं, ये क्रिसमस ट्री जो है ये अमूमन घरों में, संस्थाओं में आपको लगाया हुआ देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से थूजा जिसको मोरपंख कहते हैं, ये मोरपंख नामक पादप भी आपके गार्डन्स के अंदर सजावटी पादप के रूप में, आपके घरों के अंदर गमलों में सजावटी पादप के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो जातियाँ हैं ये विदेशी जातियाँ हैं जो अपने यहाँ भारत में गार्डन के अंदर घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में या सजावटी पादप के रूप में उगाई जाती हैं। भारत में एबीज की 4 स्पीशीज पाई जाती हैं, इसी प्रकार पीसिया की भी 4, पीसिया की 2 स्पीशीज पाई जाती हैं, ओरोकेरिया की 3 स्पीशीज पाई जाती हैं,
ऐसे ही थूजा की भी 3 स्पीशीज पाई जाती हैं। तो भारत में इन इंडिया भारत में एबीज की 4 स्पीशीज पाई जाती हैं, पीसीए की 2 स्पीशीज, थूजा तथा ओरोकेरिया की 3-3 स्पीशीज पाई जाती है। यानी कि जो एबीस है उसकी 4 जातियां पाई जाती है, पीसीया की 2 जातियां पाई जाती है, ओरोकेरिया की 3 जातियां हैं और थूजा की भी 3 जातियां भारत में पाई जाती हैं। पाइनस तथा जूनिपेरस की 6-6 जातियां पाई जाती हैं। तो पाइनस की 6 जातियां तथा जूनिपेरम की भी 6 जातियां भारत में पाई जाती हैं। तो पाइनस की कितनी जातियां? 6 जातियां हैं। वैसे ही जूनिपेरस की भी 6 जातियां पाई जाती हैं, क्यूप्रेसेस की 4 जातियां और पोडोकार्पस की भी 4 जातियां भारत में पाई जाती हैं। तो क्यूप्रेसेस क्यूप्रेसिस की 4 तथा पोडोकार्पस की भी 4 जातियां भारत में पाई जाती हैं इसी प्रकार अपने आगे सिफेलोटैक्सिस की बात करें या क्रिप्टोमेरिया की बात करें, तो सिफेलोटैक्सिस की 2 और क्रिप्टोमेरिया और लेरिक्स की 1-1 जाति भारत में पाई जाती हैं। तो क्रिप्टोमेरिया सिफेलोटैक्सिस की 2 जातियां तथा क्रिप्टोमेरिया तथा लेरिक्स की 1-1 जाति भारत में पाई जाती है। भारत में क्रिप्टोमेरिया और सिफेलोटैक्सिस की कितनी जातियां पाई जाती है? सिफेलोटैक्सिस की 2 और क्रिप्टोमेरिया और लेरिक्स की 1-1 जाति भारत के अंदर पाई जाती है। इसी प्रकार सीड्रेस की बात करें तो सीड्रेस की भी 1 जाति भारत के अंदर पाई जाती है, जो केवल हिमालय के जंगलों में मुख्य रूप से मिलती है। सीड्रस देवदार, सीड्रस की भी 1 जाति भारत में पाई जाती है, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में मिलती हैं। सीड्रस की केवल मात्र 1 जाति पाई जाती है, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के अंदर सामान्य रूप से जंगलों के अंदर पाई जाने वाली जाति है, जिसको देवदार के वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगर अपने ओरोकेरिया और थूजा की बात करें, ओरोकेरिया तथा थूजा को बगीचों में
सजावटी पादप के रूप में उगाया जाता है, सजावटी पादप के रूप में उगाया जाता है। तो ओरोकेरिया और थूजा यानी जो क्रिसमस ट्री है उनको और मोरपंखी को अपने बगीचों में, घरों में और विभिन्न संस्थाओं के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाया जाता है, सजावटी पादप के रूप में उगाया जाता है। इनमें टेक्सस और गिंगो दो ऐसी जातियां हैं जो भारत में एक सिंगल स्पीसीज के रूप में पाई जाती हैं। टेक्सस बकेटा, टेक्सस बकेटा तथा गिंगो बाइलोबा की एक एक जाति भारत में पाई जाती है। तो अपने कॉनिफेरल्स ऑर्डर के सदस्यों की बात करें तो कॉनिफेरल्स ऑर्डर के अंदर टोटल 54 जातियों को शामिल, 54 जीनस तथा 482 जातियों को शामिल किया गया, जिनमें एबीज, टेक्सस, थूजा, ओरोकेरिया, सूगा, क्रिप्टोमेरिया, ये सभी जातियां जो है जीनस इसमें इस ऑर्डर के अंदर शामिल है। भारत में कॉनिफेरल्स ऑर्डर के सदस्य जो है वो उत्तरी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के अंदर अधिकांश रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये नेपाल, बर्मा आदि क्षेत्रों के अंदर भी ये सामान्य रूप से पाए जाने वाले पादप है। भारत में एबीज की बात करें तो एबीज की 4 जातियां भारत के अंदर पाई जाती हैं। इसी प्रकार पीसिया की भारत के अंदर केवल मात्र 2 जातियां पाई जाती हैं। ओरोकेरिया और थूजा की बात करें तो इन ओरोकेरिया की भी 3 जातियाँ हैं और थूजा की भी 3 जातियाँ भारत के अंदर पाई जाती हैं। और जूनिपेरस, पाइनस, इनकी बात करें तो इनकी 6 से जातियाँ भारत के अंदर पाई जाती है। क्यूप्रेसेस की 4, पोडोकार्पस की भी 4 और सिफेलोटेक्सेस की 2 जातियाँ भारत के अंदर पाई जाती हैं। फिर क्रिप्टोमेरिया और लेरिक्स की बात करें तो क्रिप्टोमेरिया की भी 1 जाति और लेरिक्स की भी 1 जाति भारत के अंदर पाई जाती हैं। सीड्रेस जो है जिसको देवदार वृक्ष के नाम से जाना जाता है, सीड्रेस की यहाँ पर 1 जाति पाई जाती है जो कि हिमालयी क्षेत्रों के जंगलों के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा अपने ओरोकेरिया और थूजा की बात करें तो ये दोनों ही प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भारत में उगाए जाते हैं। और टेक्सस बकेटा और ये गिंगो बाइलोबा की 1-1 जाति भी भारत में पाई जाती है। तो ये कॉनिफेरल्स ऑर्डर के सदस्यों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपने बात की। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।